नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिनेमा पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। उत्तराखंड के थाना रुड़की क्षेत्र के गांव माधोपुर से देवबंद स्थित गांव अमरपुर गढ़ी में रिश्तेदारी में बाइक से पुत्र के साथ आ रहे जाहिद हसन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई मौके पर ही। आपको बता दें कि पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने गांव हाशिमपुरा के निकट बाइक में पीछे से टक्कर लगने के चलते हादसा हो गया। टक्कर में मृतक का पुत्र असम मोहम्मद घायल हो गया। मौके पर ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और विरोध जताते हुए जाम भी लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। लापरवाही से आ सकते नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आंच। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बाद भी कुछ लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। आलम यह है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्री बिना मास्क के ही ट्रेनों और बसों में सफर कर रहे हैं, जबकि बाजार में भी बिना मास्क के घूम रहे हैं कुछ दुकानदार भी लापरवाही। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन कभी भी दस्तक दे सकता है। 10 से अधिक व्यक्ति न्यायालय कक्ष में नहीं होंगे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिला जज अश्वनी त्रिपाठी ने कहा है कि न्यायालय कक्ष में 10 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे। इसके साथ ही न्यायालय कक्ष में उचित दूरी पर केवल 6 कुर्सियां होंगी। जरूरत पड़ने पर वर्चुअल कोर्ट की सुविधा का भी प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला जज अश्वनी त्रिपाठी ने कहा कि व्यक्तिगत दूरी के साथ साथ दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर निकाला मशाल जुलूस। सहारनपुर में पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने मशाल जुलूस निकालकर रोष जताया। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल से मशाल जुलूस की शुरुआत की गई। मशाल जुलूस IMA भवन कोच रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। देखिए इस दौरान वक्ताओं ने क्या कहा, सुनिए। विकास पारी, जनपद सचिव, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जनपद सहारनपुर। जी, आज ये मशाल रैली निकाली गई, किस बारे में निकाली गई? ये मशाल रैली जो हमने निकाली है, ये हमारी कुछ मांगे हैं और मांगे हमारी नई नई है, काफी पुरानी है। काफी पुरानी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन अपने करते हुए आए हैं। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे है उसमें हमारा एक इनिशियल ग्रेड पे 4800 और 30 लीटर पेट्रोल के बराबर हमें दिया जाए और जो हमारा पुरानी पेंशन वाली है वो किया जाए। तो इसमें आप पहले भी विज्ञापन दे चुके हैं, कब तक कोई कार्रवाई नहीं, उसका क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने अपना एक दिन का, एक दिवसीय पहले एक धरना दिया था जनपद स्तर पर, फिर एक दिन का हमने मंडल स्तर पर और फिर एक दिन का हमने प्रांत स्तर पर लखनऊ में धरना दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। जिला पंचायत की बैठक में चेयरमैन के भाई और भतीजे द्वारा की गई अभद्रता। जिला पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि व जिला पंचायत सदस्य माजिद अली ने कहा कि जिला पंचायत की बैठक में चेयरमैन के भाई व भतीजे द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। प्रशासन एक सप्ताह में इस मामले का संज्ञान लिया, न था जिला पंचायत कार्यालय पर धरना देकर तालाबंदी की जाएगी। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आजाद समाज पार्टी के दफ्तर पर प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि कल बोर्ड की मीटिंग थी। बोर्ड की मीटिंग में सभी सदस्यों को बुलाया गया था और वो सभी को जो लेटर मिले थे वो उसी दिन एक दिन पहले मिले, 4 तारीख को, 5 तारीख को तत्काल मीटिंग बुलाई गई। और पूर्व चेयरमैन के पति माजिद अली जी मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने जिला पंचायत में, मैं तो मीटिंग में लेट पहुंचा था, लेकिन वहां जानकारी के मुताबिक सभी सदस्यों ने बताया कि माजी चेयरमैन साहब ने वहाँ पे ये बात उठाई कि भाई जो टेंडर हुए हैं उसमें कितने कितने का काम सभी सदस्यों को, जिन प्रतिनिधियों चुन गए उनको दिया गया क्षेत्र में, और कार्य योजना में कितने का काम रखा गया, उस बात को लेकर गहमा गहमी होती चली गई। जबकि वो बात इनकी जायज थी, इन्होंने जो मांग रखी थी वो सभी क्षेत्र के सदस्यों के लिए रखी थी, सबकी आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ को दबाने का काम किया गया, जो कि यह गलत है। और चेयरमैन साहब, जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, वो सम्मानित पद पे हैं, ज़िले का पहला पद है, और उनको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि पूर्व चेयरमैन साहब जो है वो भी एक सम्मानित है, जिसको लेकर वहाँ पे गहमा गहमी हुई और बदतमीजी हुई, ये गलत है। और इसमें सभी सदस्य जितने भी हैं हमारे क्षेत्र पंचायत के, विपक्ष के सदस्य सब ने ये एक साथ इकट्ठा होकर ये घोषणा की है कि अगर ये मीटिंग दोबारा नहीं बुलाई गई तो हम सब मिलकर
धरने पर बैठने का काम करेंगे और इस मीटिंग को निरस्त कराएंगे, और जो ये यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी जो चलेगी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा। जी हाँ, जहाँ एक ओर ओमिक्रॉन का प्रकोप पूरे देश में छाया, वहीं आज सहारनपुर में नेहरू मार्केट में स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जा उड़ाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो चिकित्सक ही कोरोना को दावत दे रहे हों। 28 फरवरी 2022 तक रहेंगे एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक्सप्रेस ट्रेनें 28 फरवरी 2022 तक रद्द कर दी गई, जिनमें से लखनऊ से चंडीगढ़, जयनगर से अमृतसर, हरिद्वार से अमृतसर, चंडीगढ़ से लखनऊ 6 जनवरी यानी कि आज से, जम्मू कश्मीर से वाराणसी ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। वहीं रिजर्वेशन काउंटर पर रिजर्वेशन को कैंसिल कराने के लिए यात्रियों की भीड़ भी नजर आई। विद्युत आपूर्ति मात्र 4 घंटे आने से युवाओं ने किया हंगामा व प्रदर्शन। आपको बता दें कि मोहल्ला महाजनान हरिजन बस्ती कानून ज्ञान में करीब 1 माह से 24 घंटे में मात्र 4 घंटे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही, जिससे लोग पेयजल से तरस गए हैं। विद्युत उपकरण शोपीस बनकर रह गए। युवाओं का आरोप है कि विभागीय अधिकारी गरीब बस्तियों की अनदेखी कर रहे हैं, शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि 1 माह से फूका के बिल भी नहीं बदला गया, जिससे बिजली न आने पर रात्रि में असामाजिक तत्वों का भय बना रहता है। पंजाब के भटिंडा में होने वाली रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब सरकार द्वारा रोका गया, जिसे प्रधानमंत्री के काफिले को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़ा रहना पड़ा, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा इस कायराना हरकत से पूरा देश रोष में है और हर एक हिंदुस्तानी आग बबूला है। कांग्रेस सरकार की इस गंदी राजनीति के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर सहारनपुर में कांग्रेस सरकार का पुतला भी दहन किया गया। वहीं एक विशाल मशाल जुलूस भी निकाल कर प्रदर्शन किया गया। देखिए इस दौरान क्या कहा गया। मेरा नाम राहुल झाम है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर और जिले ने संयुक्त कार्यक्रम किया है। इसमें कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी जो गंदी सोच कल नजर आई है, तो प्रधान सेवक तो प्रधानमंत्री जी तो वो सबके हैं, आम जनमानस के हैं। तो कल जो निंदनीय घटना हुई है उसके संबंध में आज युवा मोर्चा नगर और जिले ने संयुक्त कार्यक्रम किया कांग्रेस पार्टी। तो इस बार महानगर से जो है योगी जी की तरफ से कितने वोट योगी जी को मिलेंगे, इस बार युवा कितना उनके आगे कार्य में? ऐसा है, युवाओं का जो बढ़ चढ़ कर जो यूथ आज युवा मोर्चा के साथ है महानगर और जिले के साथ, तो 99% यूथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ है। इस बार युवा जो है बहुत सक्रिय है और सब जानकारी युवक है, तो हमारी तरफ से युवा मोर्चा की तरफ से भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर घंटाघर चौक पर स्थित विश्व हिंदू महासंघ परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला, जताया रोष। मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देखिए इस दौरान विजयकांत चौहान ने क्या कहा, सुनिए। आज अपने भाई ब्रजेश राणा जो विश्व हिंदू महासंघ के महानगर के नेतृत्व में आज घंटाघर पे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जो खिलवाड़ किया पंजाब में, उसके उपलक्ष्य में जो पुतला फूका है चन्नी का और आगे कांग्रेस पार्टी का, मैं सबको समर्थन करता हूँ। और इस वक्त देश की ललकार है, आवाज है हर गली के बच्चे बड़े जवान की आवाज के लिए कि गली गली में ललकार है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है। इस गद्दार पार्टी को अब कांग्रेस मुक्त भारत बना के जवाब दिया जाएगा और मोदी की इस सुरक्षा का जो खिलवाड़ किया गया, ये किसी भी कीमत पे कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं किया करेगा। और आज जो कांग्रेस ने ये एक छोटा सा खिलौना काम किया पूरे देश के अंदर छेड़े बदल के, इसका जवाब बच्चा बुरा जवाब देश का हर नागरिक देगा। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश के अंदर साफ कर दिया जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत होकर रहेगा। अब ये जनसैलाब, ये तूफान निकल पड़ा है, देश की हर गली से हर चौराहे से आवाज उठ चुकी है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना।
बना के रहना है और कांग्रेस मुक्त भारत होकर रहेगा। कांग्रेस पार्टी गद्दारों की पार्टी है, इसने कभी भी देश का भरा जाया। और कांग्रेस जब से सत्ता में होती है तो ये लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो देश के अंदर ये फूट करती है, हिंदू में फूट डालती है। यानी 1984 में इन्होंने हिंदू और सिखों को लड़ने पास किया और फिर पंजाब में वही आग लगाने का ये प्रयास करें, हिंदू और सिखों को आपस में लड़ने के पास किए। अब ये घिनौना षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है, अब कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है, तो इस गद्दार पार्टी को अब किसी की वजह से बर्दाश्त किया जाएगा। उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। वहीं सहारनपुर में भी चक्राता रोड कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें वंदन कौशिक महानगर मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। वंदन कौशिक महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्ध जबलपुर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। इसके संबंध में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24-25-26 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ था। इसका उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा किया गया था। अधिवेशन के प्रथम दिन हमारे यशवंतराव केलकर जी के नाम से एक हमारा पुरस्कार है, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर अवार्ड, से तमिलनाडु निवासी श्री कार्तिकेय गणेशन जी को सम्मानित किया गया। उन्होंने दिव्यांगजनों के आय के व्यय के लिए सब कुछ बहुत विस्तार से कार्य पूरे देश भर में किया है, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय परिषद में 3 हमारे प्रमुख जो है छात्र हित में प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसमें प्रथम प्रस्ताव रहा शिक्षा की पवित्रता को बचाने हेतु शिक्षक समुदाय आगे आए, दूसरा हमारा प्रस्ताव था वर्तमान परिदृश्य, एवं तीसरा प्रस्ताव हमारा था जो प्रमुख प्रस्ताव था परिसर गतिविधियों में खेल होने प्राथमिकता। इसमें हमने केंद्र सरकार से भी विभिन्न मांगे रखी हैं। परिषद के राष्ट्रीय परिषद के अंतिम दिन में हमारी नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें हमारे मेरठ प्रांत से श्री जीत सिंह जी को राष्ट्रीय मंत्री, मनोहर निखड़ा जी को क्षेत्र संगठन मंत्री, महेश राठौर जी को प्रांत संगठन मंत्री, एन सी तरुण सिंह जी को प्रांत सह संगठन मंत्री बनाया गया। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।